नमस्कार, SBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा सिटी से मैं हरिओम प्रसाद शर्मा सभी अभिभावक बंधुओं को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 18 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है कोरोना महामारी के कारण से बच्चों की पढ़ाई लगभग ठप सी हो चुकी है और आगे कितने दिन तक अभी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा इस बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन सा लग रहा है। जब जब भी पढ़ाई की बात होती है ऐसा लग रहा है अब आने वाले समय में स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन 18 महीने से इसी इंतजार में हम बैठे रहे और बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई रह गई। क्या अब हमें और आगे इसी प्रकार से इंतजार करना चाहिए या हमारा काम करना चाहिए, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। पिछले लगभग 1.5 महीने से हमारे SBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने यहां पर कर रखी है। बहुत सारे बच्चे इस व्यवस्था से जुड़ भी चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं वो केवल सोच ही रहे हैं कि मेरे बच्चे को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, केवल इस असमंजस की स्थिति में हैं। उन सभी पेरेंट्स से मेरा आग्रह है सोचने विचारने के बजाय यहां आप स्कूल में आइए, विद्यालय आपका है हमारा नहीं है। कई बार यहां से आपको कॉल भी करवाया जा चुका है, कई बार यहां से मैसेज भी आपको दिया है लेकिन अभी भी आपने विद्यालय आकर संपर्क नहीं किया है। उन सभी अभिभावकों से मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो इस शंका को आप निकाल दीजिए, आप स्कूल आइए, ये स्कूल आपका है। इतने लंबे समय से हम आपका सहयोग करते आए हैं, आगे भी आपका सहयोग करेंगे लेकिन आपको आपके मन में जो झिझक है उस झिझक को छोड़ करके अपने घर से विद्यालय तक आइए। अपने स्कूल में क्या व्यवस्था चल रही है, ऑनलाइन व्यवस्था में हम क्या दे रहे हैं, इस व्यवस्था को देखने और समझने के लिए आप अपने घर से निकलिए, विद्यालय तक आइए, आपको पूरा सिस्टम समझाया जाएगा। बहुत सारे अभिभावक बहुत सारे बच्चे स्कूल आए हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को समझा है और अपनाया है। जितने भी बच्चे अब तक ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़े हैं वो सभी बच्चे और पेरेंट्स सभी आज इस व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से खुश हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। अतः आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं यदि किसी प्रकार की समस्या है तो समस्या को यहां स्कूल में आकर के बताइए, आप और हम बैठ करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। चाहे वो कैसी भी समस्या होगी, समस्या का समाधान हमें और आपको मिलकर के करनी है, हम हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकेंगे। बहुत शानदार प्रकार के वीडियो हम यहाँ ऐप के माध्यम से आपको दे रहे हैं, हमने 2-3 ऐप आपके लिए ले रखे हैं, उन सबका पैसा विद्यालय ने दिया है लेकिन उनका लाभ उसी को मिलेगा जो इसको काम में लेगा। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूँ आइए यहाँ पर, बहुत अच्छे वीडियो दिए जा रहे हैं, नियमित रूप से बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, हमारे यहाँ टीचर्स बैठ करके मेहनत करते हैं, उनको होमवर्क डालते हैं। यहाँ पर वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन बच्चों को कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाता है। आपको एक कॉपी यहाँ पर रखनी है, दूसरी कॉपी आपके पास में रखनी है, आपकी कॉपी ठीक ढंग से चेक की जाती है, उसमें जो कमी आ रही है उस कमी को भी हमारे टीचर्स मेहनत करके उसको नोट करते हैं। जब आप दूसरे दिन कॉपी लेने के लिए आते हैं तो उन कमियों के बारे में आपको बताते हैं, उनको सुधार करवाते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का डाउट यदि आपको सब्जेक्ट में आता है तो जिस दिन आप अपनी कॉपी जमा कराने के लिए आते हैं उस दिन अपने डाउट का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने यहां दे रखी है। इसके साथ साथ हमने यहां पर अदर एक्टिविटीज की व्यवस्था भी कर रखी है। सैटरडे को बच्चों की अदर एक्टिविटीज होती है। पिछले समय में जब हम स्कूल रेगुलर चलते थे तो हमारा सुपर सैटरडे शानदार शनिवार तो हमारा होता था, वो व्यवस्था हमने आज भी चालू कर रखी है। और अब हम आज या कल से हम जनरल नॉलेज की व्यवस्था भी यहां से शुरू करना चाह रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत सारे नए नए बच्चों के उपयोगी चीजें हम यहां पर शुरू करने चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल भले ही खुले या नहीं खुले लेकिन इस बार के लिए हमारी इस व्यवस्था को हमें रेगुलर चलाना है।
एनुअल एग्जाम तक हमारी ये व्यवस्था चलेगी। बराबर वीडियो मिलेंगे, बराबर होमवर्क मिलेगा, बराबर आपकी कॉपी चेक होगी। साल भर तक जब तक स्कूल के एग्जाम नहीं होते हैं, तब तक इन सारी व्यवस्थाओं को हम चलाएंगे, बीच में नहीं रुकने वाले हैं। रिवीजन भी होने वाला है, टेस्ट भी होने वाले हैं, एग्जाम्स भी होने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं हम यहां से बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं और आगे भी हमारी चालू रहेगी। इनमें और ज्यादा अच्छा निखार हम लगातार लेके आए हैं और आगे भी लाएंगे, इसके लिए आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने किसी भी प्रकार के डाउट्स को मन से निकालिए, स्कूल में आइए। परिस्थितियां हैं, जब तक सरकार नहीं कह सकती तब तक हम स्कूल को खोल नहीं सकते। ऐसी व्यवस्थाओं में ऑनलाइन व्यवस्था हमारे पास में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मौजूद है और खाली फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं हम। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आप स्कूल आइए, आपको पूरा विश्वास होगा कि वास्तव में एसबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केवल फॉर्मेलिटी वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ वास्तव में काम हो रहा है। आपसे मैं पुनः आग्रह करता हूँ, आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर के घर पे बैठे मत रहिए, घर पे बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप स्कूल तक आइए, अपने बच्चों का और अपने आसपास के मिलने वाले बच्चों का भी एडमिशन स्कूल में एसबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके विश्वास पर हम आज तक खरे उतरे हैं, आगे भी खरे उतरेंगे। अब तक जो बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, पुराने रिजल्ट्स को देखिए और अब तक के भी इस साल के रिजल्ट्स को भी देख लीजिए। हमने वास्तव में डंका बजाया है, पहले भी बजाया है और आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको शानदार रिजल्ट्स देंगे, 100% देंगे। इस बार भी हमारे कॉमर्स में अपने स्कूल की जो स्टूडेंट है स्नेहा बजाज ने 98% प्राप्त करके 12th कॉमर्स में नागौर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी प्रकार से 95.4% प्राप्त करके मोहित जांगीर ने हमारे स्कूल में फर्स्ट और नावा सिटी में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। मनन कुमावत ने 100% नंबर 10th में प्राप्त करके न केवल अपने स्कूल में, न केवल अपने शहर में, बल्कि राजस्थान टॉप किया है। यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। अतः आपसे आग्रह है, इन सारी व्यवस्थाओं से जुड़ने के लिए आप सब यहां पधारे। धन्यवाद।